अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में। आइए हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसे रिलेटेड प्रॉब्लम। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एपी का टर्म कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड जो टर्म्स है, इससे रिलेटेड जो कंडीशन है, वो सारे कंडीशन आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में टर्म के बारे में समझा दिया है, फिर भी आइए कुछ यहाँ पे एक बार रिमाइंड कर लिया जाए। एपी में दोस्तों यहाँ देख सकते हैं A1, A2, A3 यहाँ पे सो ऑन AN तक कोई टर्म गया हुआ है। जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू यहीं पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू है 20, 25, 30 to 100। यहाँ पे प्रत्येक टर्म में 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 20 है तो 5 ऐड किए 25 हुआ, 5 ऐड किए 30 हुआ, ऐसो ऑन कहाँ तक गया है 100 तक। यही जो पोजीशन बताता है, जो टर्म है वो पोजीशन बताता है। फर्स्ट टर्म पे कौन है तो 20, फर्स्ट टर्म पे कौन है तो 20, सेकेंड टर्म पे कौन है तो 25, थर्ड टर्म पे कौन है तो 30। और इसका वैल्यू ये कितने पोजीशन पे ये हमें नहीं मालूम है, तो इसको हम क्या मान लेंगे TN, मतलब TN पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है तो 100, मतलब जो टर्म है वो वैल्यू का पोजीशन बताता है। सीरीज में TN बराबर होता है TN, यहाँ पे जो कि हमें नहीं मालूम है TN कैसे फाइंड करें। यहाँ पे TN बराबर कुछ फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस वन इंटू डी। ए जो है वो है फर्स्ट टर्म जिसको हम T1 भी लिख सकते हैं और इसको A भी लिख सकते हैं। A जो है वो फर्स्ट टर्म है और जो D है वो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं तो सक्सेसिव टर्म से प्रीवियस टर्म को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 25 माइनस 20 तो कितना आया 5। ये क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, ये क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। प्रत्येक का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर आप 30 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी 5 आएगा। इसी तरह 35 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 5 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। अगर ये 100 का पोजीशन जानना है तो हम यहाँ पे आसानी से जान सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस वन इंटू डी। N का वैल्यू निकालना है और TN दिया हुआ है 100 और A का वैल्यू कितना है तो 20 और हमें किसका वैल्यू निकालना है N का और कॉमन डिफरेंस क्या है तो 5। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस 20 को इस तरफ ले आएंगे 100 माइनस 20 तो क्या होगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 80 N माइनस 1 इंटू 5। इस 5 को इस तरफ लाएंगे तो नीचे चला जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं N इक्वल्स टू 16 प्लस 1 यानी 17। N का वैल्यू हमारा ये जो 100 है कितने पोजीशन पे है तो ये 17th पोजीशन पे है, मतलब इसका पोजीशन क्या आ गया 17। आइए दोस्तों इसके कुछ नेक्स्ट टर्म के बारे में हम जानते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो आप आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट टर्म मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 और सेकंड टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है उसको उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है 2 तो 3 प्लस 2 और थर्ड टर्म निकालना है तो 3 प्लस 2
और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। फोर्थ टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड 3 इंटू कॉमन डिफरेंस। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं 3, 5, 7, 2, 2 जा 4, 4, 3, 7, 2, 3 जा 6, 6 और 3, 9, सो ऑन। यहाँ पे हम एक सीक्वेंस देख सकते हैं, 3, 3, 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 5, इसमें भी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 7, 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 9। इसी तरह एक सीरीज का यहाँ एक फॉर्म हुआ। आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे हम tn का वैल्यू निकालते हैं। अगर a दिया हो 10, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 10। क्या ये ap में है? इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सक्सेसिव टर्म को कट होगा यहाँ पे। आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 10, और हमें ये मालूम करना है पहले क्या ये एपी में है। एपी में पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, सक्सेसिव टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके, 12 माइनस 10 कितना आया 2, मतलब t2 माइनस t1। और फिर यहाँ पे करते हैं t3 माइनस t2, 14 माइनस 12 कितना आया 2, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो एपी में है, वो सीरीज है वो एपी में है। तो हमें क्या निकालना है, 15th टर्म। यहाँ पे आइए निकालते हैं t50, यहाँ लिख देंगे फार्मूला पे लिखेंगे। पहले tn बराबर फार्मूला लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या है, कौन सा प्लेस निकालना है, t50 बराबर फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, a जो होता है फर्स्ट टर्म को डिनोट्स करता है तो 10, n क्या है n है 15, 50 माइनस 1 तो 49, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है तो 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 49 इंटू 2 तो 98 प्लस 10 तो 108। ये हमारा कौन सा टर्म आ गया, 15 टर्म का वैल्यू। आइए कुछ न्यू प्रॉपर्टी को हम जानते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहा है 3 अननोन टर्म दिया रहा है जो कि एपी में, और जिस क्वेश्चन में दिया रहा है अगर तीन रेगुलर टर्म जो कि एपी में है और जिसका सम दिया रहा है, ठीक है, और तो हमें तीन अननोन जो टर्म है वो तो नहीं मालूम है, वो तीन अननोन टर्म क्या होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने मन से कुछ टर्म यहाँ पे मानने होंगे। वो टर्म क्या है, तीन टर्म के लिए a माइनस डी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म के लिए a और थर्ड टर्म के लिए a प्लस डी। अगर आइए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, वो 3 नंबर्स कौन सा है हमें नहीं मालूम, इज 27। पहले तो हमें मानना होगा वो 3 नंबर, लेट 3 नंबर्स आर ए माइनस डी ए प्लस डी। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है ये जो 3 नंबर का सम कितना दिया हुआ है 27, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी बराबर 27। और क्वेश्चन में और भी कह रहा है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a बराबर 27, a बराबर 9, ये हमारा a का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखते हैं
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन और भी आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293। क्वेश्चन कह रहा है आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आइए देखते हैं कितना कह रहा है। इस ये जो टर्म है इसका स्क्वायर का सम, मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 293। इसको हम सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं ए प्लस डी का होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी बराबर 293। ये कट जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं ए टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 293। ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 9, तो हम लिख सकते हैं 3 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 293। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 243 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 293। अब ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा 293 माइनस 243। ठीक है, इसको सॉल्व करो 200 यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50, 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 50। अब ये इस तरफ जाएगा तो 50 डिवाइडेड बाय 2 तो 25, यहाँ d बराबर क्या हो सकता है प्लस माइनस 5, यहाँ पे d बराबर क्या हो सकता है प्लस माइनस 5। इसलिए हम एक सीक्वेंस निकालते हैं, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या आया, ए हमारा कितना है 9, तो पहले हम लेते हैं पॉजिटिव नंबर d इक्वल्स टू 5 और f इक्वल्स टू 9, तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टर्म जो है a माइनस d, मतलब 9 माइनस 5 4 और उसके बाद a का वैल्यू 9 और a प्लस डी 9 प्लस 5 14। देखिए ये क्या है, ये हमारा एपी में है। अब डी का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, यहाँ पे डी का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, डी का वैल्यू निगेटिव लीजिए, डी इक्वल्स टू माइनस 5 ए इक्वल्स टू 9, तो क्या होगा ए माइनस डी 9 माइनस माइनस ऑफ 5 तो कितना होगा, और ए का ए 9 ही रह जाएगा और 9 ए प्लस डी तो 9 प्लस माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी जो टर्म है ये एपी में है। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोरोना से सेफ रहें।